ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन हैं? ए टीम कुक, बी सुंदर पिचाई, सी सत्य नाडेला या डी अजय बंगा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप पहले जवाब दे सकें। गोसाईगांव में आज होगा श्री कृष्ण लला के प्रतिमा का विसर्जन। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाईगांव के श्री कृष्ण मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण लला के प्रतिमा का आज गुरुवार संध्या स्थानीय गोसाईगांव गंगा घाट पर विसर्जन किया जाएगा। इस बाबत मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस बार कोरोना महामारी को लेकर भव्य आयोजन नहीं किया गया है। वहीं श्री कृष्ण लला का भी मेढ़ पर प्रतिमा नहीं बनाया गया है, अलग से एक छोटे आकार के प्रतिमा को स्थापित कर पूजा अर्चना की गई है, जिनका गुरुवार संध्या गंगा नदी में विसर्जन किया जाएगा। भागलपुर के मधुसूदनपुर इलाके में अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। भागलपुर के मधुसूदन इलाके के रामपुर खुर्द पंचायत के ग्रामीणों ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते दो दिन पूर्व रामपुर के ग्रामीणों और शराब बेचने वालों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसको लेकर मंगलवार को पंचायत के मुखिया सहदेव दास समेत ग्रामीणों ने कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष को आवेदन सौंपा। वहीं शराब के नशे में धुत और सामाजिक तत्व के लोग गांव की बहु बेटियों पर भी फवतियां कसते हैं। विरोध करने पर उक्त शराब कारोबारी SC ST एक्ट में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं बताते चलें कि मामले में पुलिस जांच कर रही है। क्या हुआ क्या? भागलपुर में चिकित्सक आपके द्वार कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। भागलपुर सदर अस्पताल में चिकित्सक आपके द्वार मोबाइल लैब लवाई का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी चौबे ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। चिकित्सक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल लैब लवाई द्वारा ई डिजिटल स्वास्थ्य परीक्षण की जांच होगी, जो जिले के हर क्षेत्र में लवाई से परिभ्रमण कर जांच करेंगे। वहीं इस दौरान भागलपुर सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। उनके सहयोग से यहाँ पर एक लवाइक के मतलब मोटरसाइकिल से ये लोग देहात में जाकर और तरह तरह का जांच करेगा, खून का और कोरोना संबंधित जांच करेंगे और टेली मेडिसिन का उपयोग करते हुए मतलब कि व्हाट्सएप कॉल या ऐसे भी कॉल करके एम्स के डॉक्टरों से चिकित्सा परामर्श कराया जाएगा। उसके चलते कितने मोटरसाइकिल अभी दो मोटरसाइकिल का इसमें सहयोग लिया जा रहा है और चलाने की संभावना है। ये पूरे जिला में जगह जगह घूमकर नवगछिया में मास चेकिंग अभियान में 80 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई है। जांच अभियान में कुल 80 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 4,000 रूपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में एक वाहन से 1,000 रूपए भी वसूल किया गया। नवगछिया बिसहरी पूजा में स्थापित नहीं होगी प्रतिमा।
विषहरी पूजा के अवसर पर इस बार नवगछिया में अधिकांश जगहों पर प्रतिमा स्थापित नहीं होगी। नाग कलश से पूजा संपन्न कराई जाएगी। इसके साथ ही 18 अगस्त को विसर्जन शोभा यात्रा भी नहीं निकाली जाएगी। यह निर्णय बुधवार को नवगछिया के छोटी ठाकुरबाड़ी रोड स्थित बिहला विषहरी पूजा समिति के एक संक्षिप्त बैठक में लिया गया। जलस्तर में आई कमी, लेकिन बाढ़ से राहत नहीं। गंगा नदी के जलस्तर में पिछले दो दिन से स्थिर होने से इस्माइलपुर के लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 10 सेंटीमीटर कमी आई है, लेकिन नदी अभी भी खतरे के निशान 31.60 मीटर से 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में कमी आने से प्रखंड में आई बाढ़ की भयावहता पर कोई फर्क नहीं आया है। बाढ़ का पानी अभी भी सड़कों पर ही बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित है। नवगछिया संतोष हत्याकांड। प्राथमिकी में दिए बयान से पीछे हटे मृतक के पिता, कहा मैंने अब तक नहीं दिया बयान और दर्ज नहीं कराई प्राथमिकी। नवगछिया के रसलपुर निवासी संतोष यादव हत्याकांड में प्राथमिकी के सूचक मृतक के पिता सुहास यादव ने यू टर्न ले लिया है। सुहास का कहना है कि उसने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने पुलिस को किसी प्रकार का बयान नहीं दिया है और न ही घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई है। सुहास यादव ने बकायदा नवगछिया एसपी को लिखित आवेदन भी दिया है। हत्याकांड के इस घटनाक्रम से एक तरफ पुलिस की साख पर सवाल या निशान खड़ा हो गया है, तो दूसरी तरफ इस बात की आशंका भी है कि क्या अपराधियों के भय से भयभीत होकर तो सुभाष यादव अपने बयान से पीछे तो नहीं हट रहे। बहरहाल नवगछिया पुलिस के वरीय पदाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन प्रारंभ कर दिया है। मृतक के पिता सुभाष यादव का कहना है कि मंगलवार सुबह जब उसने अखबार देखा तो पता चला कि उसके पुत्र के हत्या मामले में उसके ही निकट संबंधियों और शुभ चिंतकों का नाम दे दिया गया है। सुभाष ने कहा कि हत्याकांड में नगर पंचायत के उपाध्यक्ष टीएन यादव का नाम दे दिया गया है। सुभाष ने कहा कि टीएन हमारे शुभचिंतक हैं और उनका पुत्र भी टीएन के यहाँ वर्षों से गाड़ी चलाने का काम कर रहा था। टीएन से संतोष के संबंध अच्छे थे, वो घटना के बाद से मोबाइल से लगातार संपर्क में है। उनका कहना है कि राजनीतिक दुर्वासना से ग्रसित होकर कुछ लोग उसके पुत्र की हत्या में अभिषेक रमन उर्फ टीएन का ही नाम फंसा रहे हैं, जो गलत है। अब सवाल उठता है कि आखिर नवगछिया थाने में दर्ज एफआईआर में पूरी स्क्रिप्ट किसकी है। नवगछिया के थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने स्पष्ट कहा कि सूचक ने जो बयान दिया उसमें एक भी शब्द का अंतर एफआईआर में नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरोपी दबंग है और वे पीड़ित परिवार को दहशत में ले सकते हैं। मामले में छानबीन और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं नवगछिया के एसपी स्वप्ना जी मिश्रम ने कहा कि सूचक द्वारा जो बयान दिया गया है वही प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने भी पीड़ित परिवार के दहशत में होने की आशंका को व्यक्त किया है। एसपी ने कहा कि सूचक का आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जाँच की जा रही है। कृपया ध्यान दें, अब एक मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-97-3680, 8228956905 या रजिस्टर करें msw.bihar.com पर। नवगछियान मंडल में 10 लोग कोरोना से संक्रमित। नवगछियान मंडल में कोरोना रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा होने का सिलसिला जारी है। बुधवार को नवगछियान मंडल में विभिन्न जगहों पर किए गए रैपिड एंटीजन टेस्ट में 10 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें नवगछिया से 6, गोपालपुर से 3 और बिहपुर से 1 मामले सामने आए हैं। मालूम हो कि बुधवार को नवगछियान मंडल में अन्य दिनों के मुकाबले कम लोगों की जाँच की गई। नवगछियान मंडल के रंगरा, नारायणपुर और खरीक PSC में बुधवार को जाँच नहीं किया गया है। गोपालपुर गोसाई गांव में मिले 1 और गोपालपुर में 2 कोरोना संक्रमित। PSC गोपालपुर द्वारा बुधवार को मध्य विद्यालय गोसाई गांव में शिविर लगाकर रैपिड एंटीजन किट से 161 लोगों की जांच की गई है, जिसमें गोपालपुर प्रखंड से 3 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उक्त जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय ने दी। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर
सुधांशु कुमार, एलटी आशीष चौधरी सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों की मौजूदगी देखी गई। यूको बैंक ढोलबज्जा के कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव, विनीत आनंद ने करवाया बैंक व थाने को सैनिटाइज। यूको बैंक में एक बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव होने पर ढोलबज्जा के समाज सेवी विनीत आनंद ने बुधवार को सैनिटाइज करवाया। साथ ही बैंक आने वाले ग्राहकों से अपील करते हुए मास्क लगाकर एवं एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने को कहा। वहीं ढोलबज्जा थाने को भी विनीत ने सैनिटाइज करवाया। कॉपी कलम का वितरण और किया पौधारोपण। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सह भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री सौरभ पोद्दार ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम पर्यावरण हरा भरा रहे इस उद्देश्य से नया टोला में वृक्षारोपण किया और वहीं मौके पर 20 जरूरतमंद बच्चों के बीच कॉपी कलम का वितरण किया। नवगछिया के तेतरी में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी पंचायत में नवगछिया पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। शराब की बरामदगी तेतरी निवासी विनीत चौधरी के घर से बरामद की गई है। पुलिस की कार्रवाई में पुलिस ने 240.5 लीटर देसी शराब बरामद किया है। नवगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि मद्य निषेध विभाग पटना को सूचना मिली थी कि तेतरी पंचायत के विनीत चौधरी के घर भारी मात्रा में विदेशी शराब तस्करी के लिए स्टॉक किया गया है। मद्य निषेध विभाग के द्वारा तत्काल इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही तेतरी 0 माइल के पास गश्ती पर निकले। सूचना के सत्यापन को लेकर पुलिस बल के साथ छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। पुलिस के पहुंचते ही विनीत चौधरी घर को छोड़कर फरार हो गया है। वहीं पुलिस के द्वारा उसके घर में घुसकर छापेमारी करते हुए घर की तलाशी ली गई। छापेमारी के क्रम में विनीत चौधरी के घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि कार्रवाई में ब्लैक हॉर्स का 750 ml, 29 बोतल कुल 21 लीटर विस्की, रम का 750 ml का 73 बोतल कुल 54 लीटर, वहीं कैन बियर 500 ml का 292 पीस कुल 146 लीटर बरामद किया गया है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि बरामद हुए शराब को पुलिस जब्त कर ली है। शराब बरामदगी के मामले में शराब कारोबारी विनीत चौधरी के विरुद्ध मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीम द्वारा शराब कारोबारी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। नवगछिया के धोबिनिया में गड्ढे के पानी में डूबने से बालक की गई जान। नवगछिया थाना क्षेत्र के धोबिनिया गांव में गड्ढे के पानी में डूबने से जितेंद्र यादव के 5 वर्षीय पुत्र रौनक कुमार की जान चली गई। बालक के डूबने से मौत के बाद धोबिनिया गांव में मातम का माहौल छा गया है। डूबने से बालक की मौत होने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नवगछिया पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। नवगछिया के कदुआ में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 युवकों की डूबने से गई जान, एक का मिला शव, दूसरे की खोज जारी। नवगछिया पुलिस जिला के कदुआ ओपी में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर स्थापित की गई प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 युवकों की जान झड़कहवा के पुलिया समीप कोसी नदी में डूबने से चली गई। दोनों युवक कदुआ ओपी थाना क्षेत्र के बोड़वा टोला निवासी छतरू राय के पुत्र शैलेश कुमार 18 व कपिल देव सिंह के पुत्र सोनू कुमार 21 वर्षीय है। घटना की सूचना मिलते ही कदुआ ओपी पुलिस के साथ पहुंचे एसआई संजय कुमार ने ग्रामीण गोताखोर की मदद से काफी खोजबीन के बाद शैलेश कुमार के शव को कोशी नदी से बाहर निकाला। वहीं दूसरे सोनू कुमार का शव देर शाम तक नहीं मिल पाया था। मौत के बाद दोनों युवकों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। खरीक, फेसबुक पर अश्लील फोटो पोस्ट करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। फेसबुक पर अश्लील वीडियो पोस्ट करने के मामले में आरोपी खैरपुर निवासी नीतीश कुमार को खरीक पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। खरीक, शराबी को भेजा जेल। शराब पीकर उपद्रव करने के मामले में आरोपित खरीक बाजार निवासी सुधीर दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आई प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488856988 9234623333।
दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCMLA, निशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8225-6905 या रजिस्टर करें msw.bihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नौगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-339-6666। हमारा पता है नौगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।